हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम कृष्णा नायक, योर केमिस्ट्री टीचर. इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द थियोरी ऑफ वैलेंस बॉन्ड. ओके, वीवीटी में हमने देखा कि हम उससे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी जियोमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, हाई स्पिन लो स्पिन क्या है, वो सब चीज़ हम वीवीटी से फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन उसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. ओके, तो वो लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो वो लिमिटेशन जो है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो, सपोज यू हैविंग गिवन वन कंपाउंड. द कंपाउंड इज Cu CN 4. ओके, और यहाँ पे हो गया 2-. आपको एक कंपाउंड दिया गया है Cu CN 4 2-. ओके, नाउ you have to identify the geometry of that particular compound. Okay, find geometry of compound, given compound. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. अब हम VBT का यूज करके क्या करेंगे, इसकी जियोमेट्री फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं. वी नो दैट कि जो हमारा कॉपर है, ओके, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 29. कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29. तो यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s1 3d10. ओके, उसकी एक्सेप्शन में होती है, पहले 3d फुलफिल होता है क्योंकि फुलफिल जो डी ऑर्बिटल है वो मोर स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 3d9. तो आर्गन की ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. ना यहाँ पे जो है कंपाउंड, उसने सी यू कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो जो कॉपर है उसका सपोज एक्स कर लेते हैं, 4Cn और 1-1 इक्वल टू -2. ओके, क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा +2 चार्ज. ओके, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन, तो Cu+2 होगा हमारा. कौन होगा? Cu+2. तो Cu2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी हमारी आर्गन, तो एज इट इज़ रहेगा. पहले 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3d में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d9 4s0. ओके, ना अगर हम 3d9 को देखें तो 3d9 कुछ इस तरह से होगी, 1, 2, 3, 4 and 5. चलो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए. अब मुझे किसके लिए ड्रॉ करना है, तो CuCN4 के लिए फाइंड आउट करना है उसका जियोमेट्री. मतलब मुझे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, मुझे 4Cn को एंटर करवाना है. नाउ तो हम यहाँ पे लिखते हैं CuCN4 2- के लिए कॉन्फ़िगरेशन. चलो अब अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे जो एंटर हो रहा है वो कौन सा है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है जो पैर करता है. लेकिन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपैर है, बाकी के सारे पैर है. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ ही रहेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3d की तो फुल फिल हो गई, उसमें तो जगह ही नहीं है, उसमें कोई स्पेस नहीं है. ओके, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 हो गया. ना 3d तो यहाँ पे फुल है, तो मतलब जो लिगेंड है वो किस में एंटर होगा, तो s में एंटर होगा, 4s में, और 4p में एंटर होगा. ओके, 1, 2, 3 एंड ये मतलब 4p. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रहा है, तो लिगेंड हमारा 4s एंड 4p में एंटर हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3. ओके, तो जियोमेट्री हो जाएगी यहाँ पे टेट्राहाइड्रल. ओके, लेकिन ये जो हमने आई ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड जियोमेट्री है जो कि आई हमारी कौन सी, टेट्राहाइड्रल. ओके, ये कौन सी है हमारी, एक्सपेक्टेड. ओके, लेकिन अगर हम बात करें इसकी ओरिजिनल जियोमेट्री की, जो ऑब्जर्व है प्रैक्टिकली फाइंड आउट की गई है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन है
डी एस पी टू और उसकी जियोमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। ओके, उसकी जियोमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। चलो, ये क्या है? तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मतलब कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। तो ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है कि जो हमारा कंपाउंड है CuCN4-2-, उसका शेप आया है स्क्वायर प्लेनर, जबकि VBT हमें बताती है कि उसका शेप होना चाहिए टेट्राहाइड्रल, उसका शेप स्क्वायर प्लेनर क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन VBT के पास नहीं है। तो ये हो गई उसकी लिमिटेशन। ओके, एक और कंपाउंड हम लेते हैं लिमिटेशन के लिए। सपोज यहाँ हमारे पास है दूसरा एक कंपाउंड MnCN6-3-. ओके, CN6-3-. वी हैव टू फाइंड आउट दैट इट इज अ पैरामैग्नेटिक और डायमेट्रिक टी। फाइंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ गिवन कंपाउंड। ओके, उसका हमें मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसके लिए VBT का यूज करेंगे, तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3d5। चलो, नव यहाँ पे देखो तो Mn का जो है वो क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो Mn का x 6Cn है, एक का -1 और टोटल -3 चार्ज, देयरफॉर x हो जाएगा +3 चार्ज। ओके, x हो जाएगा हमारा +3 चार्ज। नाउ यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, तो हमें यहाँ पे Mn3+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो हो जाएगी आर्गन 3d4, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक, तो 3d4 4s0 हो गए। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास 3d4 है, 1, 2, 3, 4। ना अब जो एंटर जो लिगेंड एंटर होने वाला है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, तो वो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन की पैरिंग कर देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन की पैरिंग करता है तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, ये कंपाउंड की अगर आप देखोगे तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी MnCN6-3-. ओके, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी हमें? तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3D के जो इलेक्ट्रॉन है उससे पैर कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ना 1, 2, 3, 4, हमें तो सिर्फ क्या देखना है? तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो Mn है, ओके, वो डायमैग्नेटिक, ये गिवन कंपाउंड डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ओके, तो अब CN यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6। ओके, अब यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करो मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पैरिंग में है, तो मैग्नेटिक नेचर इसका हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है हमारा D3SP2, जैसा कोई हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू भी क्या है? एक्सपेक्टेड है। जबकि अगर बात करें हम किसकी, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर की, ओके, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, ओके, ऑब्जर्व्ड जो हमारी मैग्नेटिक बिहेवियर है वो है पैरामैग्नेटिक, और उसकी वैल्यू आती है हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8।
ओके, उसमें जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं एन इज इक्वल टू टू, जबकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, अगर हम इस कंपाउंड का वीपीटी के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उसका डायमैग्नेटिक बिहेवियर हो गया. लेकिन एक्चुअल में ये कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक है. ओके, उसमें टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका मैग्नेटिक बिहेवियर उसकी मोमेंट आती है 8. ओके, ये सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे हैं. ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो वीबीटी हमें एक्सप्लेन करके नहीं देता है. ओके, ड्यू टू दैट एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो है हमारा सीएफटी. ओके, क्रिस्टल फील्ड थियरी. कौन सा कॉन्सेप्ट आया? क्रिस्टल फील्ड थियरी. लेकिन इसके एक्सेप्शन पहले हम लिमिटेशन लिख लेते हैं, आफ्टर दैट हम उसके बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी की. जो लिमिटेशन है उसमें से फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस. ओके, बहुत सारे एजम्पशंस इसमें दिए गए हैं. दूसरा लिमिटेशन इसका ये है, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डेटा. ओके, मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है तो सो करता है, लेकिन कितनी वैल्यू होगी वो सो नहीं करेगा. प्लस में कई सारे कंपाउंड में वो पैरा है या डाया है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, जैसे कि हमने उसका लिमिटेशन देख लिया. ओके, फिर इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर Exhibited by coordination compound. Coordination compound बहुत सारे हमारे क्या है, कलरिंग कंपाउंड है. KMnO4 की बात करो. ओके, वो क्या करता है, पर्पल कलर का है. मतलब जो भी हमारे ये कलर कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिफरेंट कलर शो करते हैं. ओके, तो ये कलर क्यों शो करते हैं वो वीबीटी के थ्रू हमें पता नहीं चलता है. ओके, तो ऐसे उसके बहुत सारे लिमिटेशन होने की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया, किसका? क्रिस्टल फील्ड थियरी का. ओके, किसका? क्रिस्टल फील्ड थियरी का. ये जो कंपाउंड था उसका, जिसका हमने देखा कि एक्चुअली स्ट्रक्चर होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर, लेकिन यहाँ पे आया टेट्राहाइड्रल, तो ये स्क्वायर प्लेनर कैसे आता है वो हमें सीएफटी एक्सप्लेन करके देगा. प्लस यहाँ पे ये कंपाउंड का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है उसमें दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, वो सारी चीज़ें हमें सीएफटी एक्सप्लेन करके देगा. ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थियरी. ओके.